मध्य प्रदेश का ग्वालियर फोर्ट अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। साथ ही कहा जाता है कि यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा किला है। इसकी भव्यता को लेकर कई कहानी और तथ्य भी हैं, लेकिन इन भव्यता की कहानियों के साथ इस किले का एक रहस्य भी है। यह रहस्य है ग्वालियर के उस खजाने की, जिसे लेकर कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। खजाने को लेकर कहा जाता है कि इस खजाने में काफ़ी कीमती सामान है, लेकिन इसे खोला जाना भी काफ़ी मुश्किल बताया जाता है। ऐसे में अभी तक इसे खोला नहीं गया, तो आज हम आपको हिस्ट्री मिस्ट्री में बताते हैं कि ग्वालियर फोर्ट के खजाने के बारे में, जिसे कभी नहीं खोला गया। कहा जाता है कि अगर इसे खोल लिया जाए तो काफ़ी खजाना मिल सकता है। तो जानते हैं इसे जुड़ी हर एक बात। ग्वालियर के किले में जो खजाना बताया जा रहा है, उसका नाम है गंगाजली। कहते हैं कि सिंधिया के महाराजा ने इस खजाने में करोड़ों रुपए का खजाना रखवाया था। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस खजाने को खोलने का तरीका और इसके बारे में सिर्फ महाराजा जयाजी राव सिंधिया को ही पता था। उन्होंने इस खजाने को अंग्रेजों से बचाने के लिए गुप्त रखा था, और आज भी यह गुप्त ही है और कोई भी इसे खोल नहीं सकता। खजाने के बारे में किसी को तो नहीं पता है, लेकिन खजाने का एक हिस्सा माधवराज सिंधिया को मिला था। इस तरह की कहानियां प्रचलित हैं कि माधवराज सिंधिया एक बार महल में घूम रहे थे और उसी वक्त उन्हें ठोकर लगी और उन्हें खंभे में छिपे खजाने के बारे में पता चला। इससे एक रहस्यमय खजाने के बारे में पता चल गया। इस खजाने में काफ़ी जेवरात और सोना चांदी मिला, लेकिन इसके एक हिस्से के बारे में आज भी पता नहीं चल पाया। अगर दूसरे खजाने की बात करें तो अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। इसके बारे में कई महाराजाओं ने दूसरे खजाने की खोज की, लेकिन इसके बारे में पता नहीं चल पाया। इसे लेकर कहानी है कि एक बार ज्योतिषी के साथ वे खजाना ढूंढने तो गए थे, लेकिन इसकी मौत हो गई थी। इसके बाद फिर से इस खजाने की खोज नहीं हो पाई, वह फिर खजाने से वंचित रह गए। माधवराज सिंधिया द्वितीय भी इस खजाने की खोज में असफल रहे। अब कहा जाता है कि दूसरे खजाने में भी काफ़ी धन है, लेकिन अभी तक यह मिल नहीं पाया। इसके अलावा इसे मिलने के बाद इसे खोलना भी काफ़ी मुश्किल काम बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।